recently seen in a Bigg Boss, it will remind you your contestant. Yes. मजा आया अंदर जाके और क्या लगा कौन strong है and better than question है. सी ऑनेस्टली मैं तो शॉपकीपर बन के गई भी तो वहाँ से तो नहीं, बट ऑब्वियसली आप शो देखते हो एंड लॉट ऑफ पीपल आर गुड कंटेंडर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग. कॉमनर्स में से कुछ है और कुछ सेलिब्रिटीज़ में से है, बट ऑब्वियसली जब वो लोग बाहर से किसी को भी देखते, जब हम भी अंदर थे तो हमें पता है कि जब हम किसी को बाहर से आते हुए देखते थे तो एक एक्साइटमेंट होती थी, बिकॉज यू सीइंग अ न्यू फेस एंड इट्स नाइस टू मीट देम. इट्स ऑलवेज नाइस टू गो टू बिग बॉस हाउस. आई हैव बीन गोइंग एवरी ईयर. आई थिंक लास्ट ईयर वॉज द ओनली ईयर आई डिडंट गो, बट फ्रॉम मेरे सीजन से तो अभी 5 साल से तो मैं जा ही रही हूँ. तो बहुत अच्छा लगता है हर बार, बिकॉज यू नो व्हेन यू पार्ट ऑफ अ शो फॉर सो लॉन्ग आप एक फैमिली बन जाते हो एंड एवरी ईयर दे इनवाइट मी, सो इट फील्स ग्रेट. सो या पर्सनली यू थिंक हु इज लाइक स्ट्रांग एंड लुकिंग एज यू गॉन इनसाइड यू फील दैट अंदर ऑनेस्टली जाने का पता नहीं चला, बिकॉज सब लोग ऐसे, वो एक टास्क था तो सब लोग इतने हड़बड़ हड़बड़ में थे. ऑनेस्टली मैं खुद थक गई अंदर जाके. मैंने कहा जल्दी से मुझे शॉपकीपर लाइफ में कभी नहीं बनना है. तो बट आई डेफिनेटली थिंक, आई थिंक रोमिल इज स्ट्रॉन्ग, श्री भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं अभी. वो लोगों का हर कंटेस्टेंट को लेके हर ऑडियंस का एक अलग परसेप्शन है. जिन्हें शायद मैं पसंद नहीं करूँ उनकी शायद एक अलग फ़ैन फॉलोइंग होगी. तो इट्स नॉट लाइक दैट, बट शो ऐसा है कि आपकी चॉइसेस ऑनेस्टली रोज़ बदलती जाती है. बिग बॉस है ही ऐसा. आई थिंक जब तीसरा महीना लास्ट महीना आता है, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली आप एक कंटेस्टेंट पे फोकस करते हो, कहते नहीं इसे ही जीतना चाहिए. तो आई थिंक लेट्स सी, आई विल सी द शो मोर एंड आई विल सी. बट देन डेफिनेटली दीपक इज स्ट्रॉन्ग, आई फील दीपिका इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, करण इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, करण इज़ मोर फन. आई डोंट नो, वो अंदर जाके थोड़े से मुझे सहमे से लग रहे हैं, बट अगर आप उन्हें अदरवाइज मिलो तो ही इज़ अ वेरी हैप्पी पर्सन. सो आई जस्ट होप दैट ही डज वेल. Thank you. Sana, hold on. Now we just look here, Sana.